जय हिंद साथियों, मैं अमन कुमार। मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लड़के लोग कमेंट करते हैं कि सर एटीएम गार्ड के लिए क्या वैकेंसी है, कैसे भर्ती होए। तो एटीएम गार्ड का क्या होता है ना, सबसे पहले आप कोई भी फील्ड ऑफिसर को पकड़िएगा कोई भी ब्रांच का, तो वो उसको पहले कुछ डोनेशन देना पड़ता है, जैसे 50,000 60,000 उसको कुछ डोनेशन दे करके वो कोई भी कंपनी में जैसे बात करके रखेगा। तो वो होता है कि जैसे वहाँ का जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट से बात करना पड़ता है, और मैनेजमेंट अगर एटीएम के लिए रखेगा आपको, तो वो सबसे पहले आपसे एक एग्रीमेंट साइन करवाएगा कि 3 साल का होगा या फिर 4 साल का होगा या फिर लीज पे आपको रखा जाएगा। तो एटीएम गार्ड का यही प्रोसीजर है, और एटीएम गार्ड का अच्छा पेमेंट भी, क्योंकि वो कंपनी आपको एसआईएस नहीं देती है, वो कंपनी आपको मैनेजमेंट के थ्रू से आपको पेमेंट मिलता है। अदर जगह पे आप कहीं पे भी देखिएगा तो यूनिट के हिसाब से आपको पैसा मिलता है, ठीक है। तो एटीएम गार्ड में पैसा नहीं होता, एटीएम गार्ड के लिए थोड़ा सा पैसा लगता है भले डोनेशन, लेकिन उसका 3 साल तक उसको वहाँ से कोई हिला नहीं सकता, या 4 साल तक जितने दिन का भी एग्रीमेंट होता है उसके लिए, तो वो फिक्स रहता है। तो उसके लिए थोड़ा सा पैसा लगेगा, लेकिन उसका अच्छा रहता है, चाहे वो सुपरवाइज़र का हो, चाहे वो वहाँ पे गार्ड का हो, चाहे जो भी हाउसकीपिंग का हो। तो जो भी है, मैं अभी और भी बताऊंगा एटीएम गार्ड के बारे में। जैसे मेरे से बहुत जन पूछता है कि सर आप अपना नंबर दीजिए, तो मैं सबको तो नंबर नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मेरा किसी किसी वीडियो पे है वैसा नंबर जिससे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको डिटेल्स दूँगा, बहुत सारी जानकारी दूँगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को बढ़ाइए, जितना सब्सक्राइब कीजिएगा मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरा वीडियो देखिए, आपको सारी जानकारी मिलेगी। और फिर भी कोई डाउट होता है तो मुझे कॉल करें, मैसेज करें, मैं फ्री रहता हूँ, मैं तो अभी यूनिट पे हूँ। धन्यवाद।